Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken class. Friends, today I am going to teach you about the all uses of was were. Friends, आज मैं आपको was were के सभी इस्तेमाल बताने वाला हूँ एक साथ और एक ही वीडियो में. मैंने was were पढ़ाया है, बेसिक में पढ़ाया था, फिर टेंस में भी पढ़ाया है, बट आज मैं आपको सारे के सारे was were के सारे इस्तेमाल में एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा. और आपको आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद मैं यकीन दिलाता हूं कि आप फिर से कंफ्यूज नहीं होंगे आगे कि was और were का इस्तेमाल हम कब, कहाँ और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, वाज वर, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और उन्हीं 24 हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल अगर आपने सही सही तरीके से करना सीख लिया तो आपको इंग्लिश आ जाएगी. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का इस्तेमाल सीखेंगे. वाज वर मीन्स एक हेल्पिंग वर्ब है जो जिसको हम हिंदी में सहायक क्रिया भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उसके बारे में ही सीखेंगे कि उसका इस्तेमाल हम कैसे कैसे और किस तरह की सेंटेंसेस में हम करते हैं. तो सबसे पहली बात कि हम नॉन वर्बल सेंटेंसेस के लिए जिसमें कोई मेन वर्ब नहीं होता, जिसमें कोई वर्ब नहीं होता, जिसमें कोई पर्टिकुलर वर्ब नहीं होता, जैसे खाना पीना, रहना खेलना कूदना, ये सब जितने भी वर्ब होते हैं, इस तरह के वर्ब नहीं होता, तो उसमें हम वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बेसिक में सबसे शुरुआत में आपको पढ़ाया था, बेसिक का जब मैं वीडियो डाल रहा था तब वाज वर्ब का इस्तेमाल बताया था, वो बेसिक में नॉन वर्बल सेंटेंसेस के लिए था. तो सबसे पहले हम उस तरह के सेंटेंसेस के लिए वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. किस तरह के सेंटेंस? जैसे मैं बीमार था, मैं बीमार था, तो आई वाज इल. और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि वाज कहाँ लगता है और वर्ब कहाँ लगता है. तो वाज आई के साथ वाज और यू के साथ वर. ठीक है, अब ये दोनों फिक्स होते हैं, बाकी इन दोनों को छोड़कर जितने भी सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में भी किसी एक की बात करेंगे हम, एक की बात, इन दोनों को छोड़कर एक की बात करेंगे, तो एक के लिए वाज लगाएंगे और एक से ज्यादा के लिए तो उसमें वर लगाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल मेथड है. जैसा कि मैंने यूज ऑफ इजर एम बताया था कि आई के साथ एम लगता है और यू के साथ आर लगता है, ठीक इसमें भी वैसा ही है कि आई के साथ वर्ज लगेगा और यू के साथ वर लगेगा. बाकी इन दोनों को छोड़ के किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की बात होती है तो वर्ज लगेगा, और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की बात हो रही है तो वर लगेगा. ये आप याद रखना, चाहे वो किसी भी टॉपिक का सेंटेंस हो, फॉर्मूला यही लागू रहेगा वर्ज वर लगाते वक्त. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे तुम नाराज थे तो तुम यू के साथ वर आता है तो यू वर एंग्री. ठीक है, वह तैयार नहीं था तो ही, अभी ही इसमें आई और यू के अलावा जितने भी सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में भी आई और यू को छोड़ के किसी और चीज़ की बात की जा रही है और वो एक हो यानी सिंगुलर हो तो उसमें हम वॉज लगाएंगे. तो ही वॉज नॉट रेडी. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस में इसमें कोई वर्ब नहीं आ रहा है, वह तैयार नहीं था, तुम नाराज थे, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई वर्ब नहीं आ रहा है. जैसे खाना पीना, रहना सोना, उठना खेलना कूदना, ये सब वर्ब है, उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा है. तो इस तरह के सेंटेंसेज में जब कोई सेंटेंस नॉन वर्बल हो और उस वो पास्ट में हो, मतलब अंत में थाते थी हो, तो उसको हम वाज और वर्ब से बनाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट इस तरह के सेंटेंस आएगा कि ही वॉज टू गो. ये किस तरह का सेंटेंस है? वाला वाली मीन्स वो जाने को था, वो जाने वाला था. ठीक है, वो जाने को था या वो जाने वाला था, वह जाने को था, वह जाने को था या वह जाने वाला था. इस तरह के जब सेंटेंस आएंगे
तो उसमें हम वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसमें हम उसके प्रेजेंट में इज आर एम का इस्तेमाल करते हैं तो उसके पास्ट में वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल है, जो भी सेंटेंस हम जिस सेंटेंस को भी हम इज आर एम से बनाते हैं, अगर आपको इज आर एम का इस्तेमाल अगर आता होगा आपको, तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि वाज वर्ब का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो जो भी सेंटेंस हम इज आर एम से बनाते हैं, अगर उसी सेंटेंस का पास्ट हो तो उसमें हम वाज वर्ब लगाते हैं। तो इसमें हम वह जाने को था तो ही वाज टू गो, या ही वाज अबाउट टू गो ऐसा भी हम लिख सकते हैं, या ही वॉज गोइंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, वे लोग मैच खेलने वाले थे, वे लोग मैच खेलने वाले थे। तो दे, अभी दे के साथ क्या लगेगा, पहले मैंने बता दिया आपको बहुवचन है यानी एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो वर लगेगा, दे वर टू प्ले, या दे वर अबाउट टू प्ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा स्टेप है कि जो वाला वाली सेंटेंस है और वो पास्ट में है तो उसको हम वाज वर से बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तीसरा जो वाज वर का इस्तेमाल होता है वो टेंस में होता है, जिसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे वह खेल रहा था, तो वह खेल रहा था, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा चुका हूं और आपने देखा होगा वीडियो, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है। इसमें वॉज वर्ब लगता है, तो ही वॉज प्लेइंग, तुम खा रहे थे, तो यू यू के साथ वर लगता है, तो यू आर ईटिंग। मैं हंस रहा था, तो आई वॉज लाफिंग। ओके फ्रेंड्स, तो ये टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वाज वर का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट, वह खेलने को तैयार नहीं था। इसमें हम, ये नॉन वर्बल वाला सेंटेंस ही है जिसमें कोई सब्जेक्ट खेल मतलब कोई काम नहीं कर रहा है, कर नहीं रहा है, बताया जा रहा है कि वह खेलने को तैयार नहीं था। इसमें वर्ब आ जा रहा है खेलने, तो ही वॉज नॉट रेडी टू प्ले, वह खेलने का समय नहीं था, वह खेलने का समय नहीं था। समय के साथ इट लगाते हैं हम, तो इट वॉज नॉट टाइम टू प्ले, वे लोग आने को तैयार नहीं थे, वे लोग आने को तैयार नहीं थे, तो दे वर नॉट रेडी टू कम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी वाज वर्ब लगाकर बनाते हैं। जैसे वो खाने को तैयार नहीं था, को मतलब वो खाने को तैयार नहीं था, या वो खाने के लिए तैयार नहीं था, या मैं खेलने के लिए तैयार नहीं था, या मैं खेलने को तैयार नहीं था, ये सब सारे एक ही चीज़ है और उनको हम वाज वर्ब से बनाते हैं। इसमें बस फर्क है कि टू लगाते हैं, यहाँ पर वर्ब से पहले हम टू लगाते हैं, इसको हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट, मुझे ठगा गया, ये जो सेंटेंस है पैसिव सेंटेंस है पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस के जितने भी पैसिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी हम वाज वर्ब लगाकर बनाते हैं। इस तरह के सेंटेंस में, जैसे मुझे ठगा गया, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस है जिसमें हम वाज वर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के सेंटेंस जब भी आए, जैसे सब्जेक्ट आए, वाज वर आए, और थर्ड फॉर्म आए, वी का थर्ड फॉर्म आए यानी वर्ब क्रिया का तीसरा रूप आए, तो आप समझ लेना कि वो पैसिव सेंटेंस है। जैसे उस पेड़ को काट दिया गया, उस पेड़ को काट दिया गया, तो दैट ट्री वॉज कट डाउन। ओके फ्रेंड्स,
पांच लोग मारे गए तो फाइव पर्सन वर किल्ड। तो ये है वाज वर का इस्तेमाल, इस तरीके से हम वाज वर का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वाज वर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।